मोडाल्स। आइए सबसे पहले मोडाल समझिए, क्या समझिए दोस्त? मोडाल। तो मोडाल को अगर समझाया जाए, देखा जाए तो मोडाल है क्या? कहेंगे सर ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है भाई साहब? हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब ये आया कहाँ से भाई? आइए अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं, ये आया कहाँ से? तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे, ये वर्ब टॉपिक है। क्या चल रहा है मेरे भाई? ये वर्ब टॉपिक से आया है और वर्ब टॉपिक चल भी रहा है अपना। अगर पूछा जाए आपसे कि वर्ब बताइए कितने प्रकार के होते हैं, तो जवाब क्या देंगे दोस्त? जवाब देंगे कि सर वर्ब 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्त? एक होता है दोस्तों फाइनाइट वर्ब। क्या होता है? फाइनाइट वर्ब होता है। एक होता है अपने पास फाइनाइट वर्ब, और दूसरा जो दोस्तों होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। कौन सा होता है दोस्त? नॉन फाइनाइट वर्ब। और तीसरे की बात करें अगर, तो तीसरा होता है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। तीसरा अपने पास जो होता है दोस्तों, यह होता है हेल्पिंग वर्ब। 3 प्रकार के वर्ब होते हैं। अपना ये खत्म हो गया पार्ट, ये समझा दिया गया आपको। अगर हम आपसे बात करें, ये जो फाइनाइट वर्ब होता है ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्त, बता सकते हैं कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? एक होता है दोस्तों ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब है ना दोस्त, और दूसरा होता है इन ट्रांजिटिव वर्ब, और जो तीसरा होता है दोस्तों वह होता है लिंकिंग वर्ब। क्या होता है? लिंकिंग वर्ब है ना। अगर आपसे पूछा जाए तो इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, इसके बाद नो ऑब्जेक्ट, और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। क्या आता है दोस्त? कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट बनता क्या क्या है? या तो यह नाउन बनेगा दोस्त, या तो यह क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। तो यहां तक तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि लड़कों को यहाँ तक फंसा के रखता है। ट्रांजिटिव क्या होता है नहीं समझ में आया है? क्या होता है ट्रांजिटिव नहीं समझ में आया है? और क्या होता है लिंकिंग वर्ब दोस्त, ये भी नहीं समझ में आया है। तो बात समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ तक तो समझाया गया है। अगर आपसे पूछा जाए नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं दोस्त, तो जवाब देंगे ये भी सर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्त? एक होता है जीरंड दोस्तों, और दूसरा होता है इन्फिनिटी होता है, और तीसरा दोस्तों पार्टिसिपल होता है। क्या होता है आपसे पूछा? जीरंड हमेशा क्या बनता है? और इन्फिनिटिव नाउन भी बनेगा, एडजेक्टिव भी बनेगा, एडवर्ब भी बनेगा, ठीक है। और पार्टिसिपल की बात करें तो केवल और केवल एडजेक्टिव वर्ब बनेगा। क्या बनेगा भाई? केवल और केवल एडजेक्टिव बनेगा। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो अपने पास जो ये हेल्पिंग वर्ब हो दोस्तों, ये 2 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से? एक बताओ कौन सा होता है? एक होता है दोस्तों प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा दोस्तों मोडाल हेल्पिंग वर्ब। एक होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है, अगर ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है तो ये बताएगा दोस्तों टाइम को एक्सप्रेस करेगा। किसको बताएगा? ये टाइम को एक्सप्रेस करेगा। और जो टाइम बताते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग कहते हैं टेंस। बोलो क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं, है ना। तो हम आपको समझा रहे थे हेल्पिंग वर्ब 2 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से दोस्त? एक होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मोडाल हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो होता है दोस्तों, ये टाइम को एक्सप्रेस करता है, और टाइम बताएगा तो टेंस कहलाएगा। समझ में आ रहा है?
इसकी तादाद दोस्तों होता है 14। इसकी तादाद जो है ये जो टेंस को एक्सप्रेस करता है मुख कहता है इसकी तादाद 14 है। अब मोडाल की जो तादाद है दोस्तों ये 13 है। अच्छा याद नहीं करना है, अभी हम सब आपको समझा रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो इसके बाद बताओ दोस्तों क्या आएगा, हमेशा और हमेशा भीवन। अब भीवन के अलावा अगर दूसरा लगा दिया तो बताओ सही की गलत, गलत हो जाएगा। मोडाल के बाद मोडाल हेल्पिंग वर्ब है, मोडाल हेल्पिंग वर्ब इसके बाद हमेशा बताओ क्या आएगा भीवन। तो ठीक है यहाँ तक नोट डाउन हो गया होगा, तीरेज करे दोस्त। तो दोस्त अगर हम आपसे बोले अपने पास मोडाल हेल्पिंग वर्ब है, क्या है दोस्त? मोडाल हेल्पिंग वर्ब है, तो बताइए दोस्त इसके बाद हमेशा क्या आएगा? हमेशा और हमेशा भीवन, हमेशा और हमेशा दोस्तों क्या आएगा? अब मोडाल हेल्पिंग वर्ब में आते कौन कौन है एक बार हम लोग जिक्र कर देते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, दूसरा दोस्तों मोडाल हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की बात करें दोस्तों तो अपने पास ये आप जानते होंगे, नाम सुने होंगे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की बात करें, पुरानी बात हम लोग रिकॉल कर रहे हैं बस, तो आप लोग जानते हैं कि इसके प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। कितने होते हैं दोस्त? अगर दोस्त यहाँ पे लिखा जाए V1, V2, V3, V5 यही है ना। अगर V1 में देखा जाए दोस्त तो जैसे हमने लिख दिया B, दिखाई दे रहा है? ये जो अपने पास B लिखा गया है ये कौन सा फॉर्म है? ठीक है, इसका सेकंड फॉर्म बताओ वाज, और इसका सेकंड फॉर्म है थर्ड फॉर्म बीन है दोस्त, क्या है? फोर्थ फॉर्म बींग है, और इसका फिफ्थ फॉर्म इज एम और आर है दोस्त, इज एम। और दोस्तों अगर इसका देखा जाए हैव, हैव का नाम सुना आपने तो क्या हो जाएगा? और बोलो, केवल तीन ही फॉर्म समझ, तीन ही वर्ब ऐसे हैं जिनसे हेल्पिंग वर्ब का निर्माण होता है। तो हम बातें करेंगे हेल्पिंग वर्ब की, ठीक है ना? हैव, हैड, और बताइए क्या होगा? और बोलिए हैविंग, और बोलिए हैज हो जाएगा। ये V1 है, V5 है, और अगला दोस्त इसका, इसका होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब नॉट यूज, ठीक है ना? हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं किया जाता है दोस्त, मेन वर्ब में किया जाता है। और यही अपने पास हेल्पिंग वर्ब है दोस्त, इन्हीं की मदद से हम पूरा टेंस पढ़ाई करते हैं। बताओ इससे कहीं बाहर से लगाते हैं? और आपको यहाँ समझना क्या है, बस यही तीन, इसी तीन का रूप जान जाइए भाई। ये तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब था ना दोस्त, तो मोडाल हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन आते हैं? मे, विल, आज समोसा वाला गायब है, कहा आया है? अच्छा हाँ, कैन, कूड, मे, माई, सेल, सूड, विल, उड, नीड, मस्ट, आठ आठ टू यूज टू और मस्ट हो गया होगा डेयर। ये दोस्त अपने पास क्या है?
मोडल एंकिंग वर्ब है ना। और इसके बाद बताओ क्या लिखा गया है, ये अपने पास मोडल एंकिंग वर्ब है दोस्त, इनकी तादाद दोस्तों है 13, कितना है इनकी जो तादाद है टोटल, और टोटल कितना है मेरे भाई 13 है। अगर इसके बाद हमेशा बताओ क्या आएगा, अगर कुछ और लगा दिया तो, अगर इस मोडल हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने लिख दिया नाउन, बोलो गलत की सही, लिख दिया प्रोनाउन एडजेक्टिव लिख दिया, बोलो गलत की सही, एडवर्ब लिख दिया गलत की सही, सब का सब क्या हो जाएगा। इसके बाद लिख दिया V2, V3, V4, V5, सब के सब। इसके बाद केवल क्या आएगा मेरे भाई, इसके बाद और केवल केवल आएगा तो आएगा V1, जो यहाँ पर आपके पास क्या है, एग्जिस्ट है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अच्छा ये बताता क्या है दोस्त, ये बताएगा मूड, क्या बताएगा मेरे भाई, स्पीकर्स मूड। अब कहेंगे कि कैन कूट तो हम पढ़ते चले आए, तो नया क्या बताएंगे सर, नया आपके पास एग्जिस्ट रहेगा, यहाँ पे देखिएगा लोग पढ़ाते हैं आपको कैन और कोड, एक स्पीकिंग के नजरिए से पढ़ाते हैं, छोटी सी बात रहेगा, 5 मिनट का काम है, तब कैन और कोड को समझाना। कहा भाई साहब, वैसे भी बता रहे हैं कि आपको ये जो इंग्लिश चला रहे हैं एडवांस लेवल चला रहे हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल लेकर चल रहे हैं, आप कुछ ही पॉइंट में बहुत बड़ा पहाड़ उखाड़ सकते हैं ऐसे, छोटे छोटे पॉइंट आप सोच रहे हैं कैन और कुड में है ये क्या है ना, पूरा गिरा के ऐसा रखेगा कि पता नहीं चलेगा कैन और कुड में हरा जाओगे, आज तक कुड नहीं लगाने आया, कुड होता क्या, खाली जानते हैं पास्ट होता है, पास्ट में कई काम करता है, वही अड़कुला रह जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे ठीक से, उसका प्रोसेस जब तक समझाएंगे नहीं कि कैसे काम करता है कैन और कुड, तो लिखवाने वाले बहुत लिखवाएंगे, 10 मिनट का 5 मिनट का यूट्यूब पे तमाम मिल जाएगा मेरे भाई। तो मैं कहा पढ़ा रहा हूँ कैन और कुड, इसमें क्या अंतर है, इसमें कौन सी बड़ी बात रह गई है, तो आइए इसको समझते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कैसे समझते हैं, ये बताएगा स्पीकर मूड, क्या बताएगा मेरे भाई, स्पीकर का मूड बताएगा, और क्या बताएगा मेरे भाई, इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब भी वही होता है, और क्या बताएगा, एटीट्यूड बताएगा, क्या बताएगा मेरे भाई, और क्या बताएगा मेरे भाई, और क्या बताएगा, तो सबका मतलब एक ही है दोस्त, ये दूसरा मत समझ लेना, ठीक है ना, चाहे मूड बोले, चाहे इंटेंशन बोले, चाहे एटीट्यूड बोले, चाहे ओपिनियन बोले, चाहे एम्पलीट्यूड बोले अपने, ठीक है ना, तो यहां तक तो दिक्कत नहीं है, एक बार नोट डाउन करिए फिर हम लोग आगे चलें। पढ़ाई कर रहे हैं मोडल हेल्पिंग वर्ब, अपने किसी व्यक्ति के मन तक पहुंचने के लिए अपने पास दो नजरिया है, एक तो मोडल हेल्पिंग वर्ब है, इस नजरिए से पहुंचते हैं, अगर आपको पसंद नहीं आता है ये वाला तो आप वर्ब के नजरिए से किसी व्यक्ति के मन तक क्या पहुंच सकते हैं, आराम से पहुंच सकते हैं। तो अपने पास दो रास्ते हैं, एक मोडल हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा मूड है, और वही बात हम भी करेंगे वर्ब के नजरिए से, हमेशा वी1 लगेगा अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हम वी1 से स्टार्ट करेंगे, वी1 भी टेंस नहीं कहलाएगा, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल हो सबके साथ वी1 लगाना पड़ेगा, तो वो भी मूड बताएगा, इंटेंशन बताएगा, एटीट्यूड बताएगा, ओपिनियन बताएगा, लेकिन वर्ब रहेगा वर्ब के नजरिए से, और ये क्या है दोस्त, हेल्पिंग वर्ब के नजरिए से अर्थात मोडल के नजरिए से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, तो बोलने में ये बेटर पड़ेगा आपको, वो वाला कम बेटर पड़ेगा, और यहाँ से आपको समझ में भी आ जाएगा क्योंकि ये होता है आसान, क्योंकि ये सभी क्या है दोस्त, आसान होते हैं, तो इसे डिलीट किया जाए, और आइए समझते हैं एक एक करके सबके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट उठाया जाए कैन से उठाया जाए, ये दोस्त मोडल में एक तरफ आप लिखेंगे कैन और बगल साइड में लिखेंगे कुड, है ना, तो ये क्या बताता मेरे भाई,
यह कैपेबिलिटी या एबिलिटी बताता है, क्या बताता है? एबिलिटी। क्या बताएगा मेरे भाई? एबिलिटी बताएगा या कैपेबिलिटी बताएगा? अच्छा, एबिलिटी और कैपेबिलिटी होता क्या है ना? एबिलिटी का मतलब योग्यता, हुनर, क्षमता, जो समझ में आए। एबिलिटी का मतलब योग्य है कि नहीं, योग्य है तो क्षमता होगी या क्षमता नहीं, हुनर है कि नहीं है, हुनर है तो क्षमता है ना, तो इसे हम बोलते हैं हुनर, क्षमता, योग्य, ठीक है। और कैपेबिलिटी का मतलब भी क्षमता, योग्य, बात दोनों सेम सेम है ना। तो बताइए कैन क्या बताएगा मेरे भाई? एबिलिटी बताएगा, आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और कहां का बताएगा मेरे भाई? इन प्रेजेंट, इन प्रेजेंट टाइम, कि आज। अच्छा ये बताओ, अभी आप कर रहे हैं कि मैं खेल सकता हूं, आप अभी खेल सकते हैं कि 5 साल बाद आपको टाइम मिलेगा तब खेलेंगे? मैं पानी पी सकता हूं कि 2 दिन के बाद पियेंगे? अभी पी सकते, इतनी क्षमता तो भैया है क्या भाई साहब? अगर जिस चीज में आप सक्षम है, जो योग्यता आपके अंदर है, आप कर सकते हैं, वो कहां से रिप्रेजेंट करेंगे मेरे भाई? कैन से। कहां से करेंगे? कैन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर कैन का डिफिनेशन लिखना होगा, इट एक्सप्रेसेस एबिलिटी आर कैपेबिलिटी इन द प्रेजेंट टाइम, ठीक है ना। और कितना परसेंट भाई साहब? ये 100% श्योर है कि आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना? 100% श्योरिटी है। अगर यहाँ पे कुड बोला गया, तो कुड का दोस्त, तो ये 2 तरीके से फंक्शन निकल के आया। कितने तरीके से? एक तो दोस्तों अगर हम बात करें, ये पास्ट फॉर्म होता है। क्या होता है भाई साहब? नहीं समझ में आ रहा। अगर ये पास्ट फॉर्म होगा तो 2 तरीके से फिर यूज होगा। पास्ट में हम कैसे बोलेंगे? देखो ये प्रेजेंट में मैं कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, मैं पढ़ा सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं हंस सकता हूं, मैं दौड़ सकता हूं, मैं आपसे बात कर सकता हूं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं वहां जा सकता हूं। क्या समझ में आ रहा है? ये कहां की बात है? अभी अभी की। और मैं जा सकता था, मैं खेल सकता था, खेला है कि नहीं खेला है आपने? नहीं खेला है। खेल सकते थे लेकिन खेला, दौड़ सकते थे, प्यार कर सकते थे, जज्बात हो सकती थी। नहीं समझ में आ रहा कर्नल? प्यार हो सकता, जब प्यार का नाम लेता तो चेहरे पर स्माइल आता है, इसके पहले इस्माइल नहीं आ रहा था। इसका हो सकता है, मोहब्बत हो सकती है, मोहब्बत कर सकता था। चलिए आगे, तो हम आपको समझा रहे आ रहे हैं भाई, ठीक है ना। पास्ट अगर एक कूड़ा है तो दोस्तों पास्ट में 2 तरीके से काम करता है, खाली स्ट्रक्चर बनाना सीखो, ठीक है ना। पास्ट में 2 तरीके से ये काम करता है, एक तो रियल एक्शन बताएगा और एक बताएगा अनरियल। अगर ये पास्ट में जाएगा तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म होगा। क्या होगा? ये कैन का कूड वीकर फॉर्म नहीं कहलाएगा, ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो जाएगा। पास्ट की बातें बता रहा है, तो एक बताएगा दोस्तों रियल एक्शन। क्या बताएगा भाई साहब? रियल एक्शन बताएगा। और दूसरा होगा अनरियल एक्शन, अनरियल। अच्छा रियल का मतलब वास्तव में होगा, ऐसा ऐसा वास्तव में होगा। अगर ऐसा होता है तब यहां कुड लगेगा भाई, मेरे भाई क्या लगेगा? कुड का जो आप यूज करते हो तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। और दोस्तों अगर यहां पे बात करें अपने पास, तो यहां लगेगा कुड हैव। क्या लगाओगे भाई साहब? कुड हैव लगाओगे और प्लस V3। आगे फिर क्या आएगा? ये बताएगा पास्ट का, मैं खेल सकता था, आई कुड हैव प्लेड, मैं जा सकता था, आई कुड हैव गॉन। समझ में आ रहा है? मैं लिख सकता था,
आई कुड हैव रिटेन, आई कुड हैव रिटेन, तो ये बताइएगा कहां की बात भाई? पास्ट का रियल, मैं खेल सका, आई कुड प्ले, मैं दौड़ सका, आई कुड रन, मैं लिख सका, मैं बोल सका, आई कुड स्पीक। स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, ध्यान देना, वीकर फॉर्म नहीं बता रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए कहां की बात करेगा भाई साहब? पास्ट का रियल एक्शन, देखो पास्ट का रियल एक्शन बताएगा, और इसके बाद बताओ क्या लगाओगे? इसके बाद बताइए क्या आएगा भाई? भीवन आएगा ना? अगर भीवन के सिवा दूसरा कुछ लगा दिया तब गलत कि सही? गलत हो जाएगा, ठीक है? जो जहां पे आ रहा वो तो लिखा जाएगा, मोडाल है, तो इसके बाद हमेशा क्या आएगा भाई? देखो भीवन है कि नहीं है? और यह विकर फॉर्म होगा तो, यह विकर फॉर्म होगा तो, यह विकर फॉर्म, विकर, विकर फॉर्म ऑफ, विकर फॉर्म ऑफ कैन, ठीक है? ये कैन का क्या है भाई साहब? विकर फॉर्म, ठीक है? तो ये बातें बताएगा दोस्तों कहां का? प्रेजेंट या, प्रेजेंट या फ्यूचर का कमजोरी दिखाएगा। वैसे तो फ्यूचर में यूज किया जाता है, प्रेजेंट भी चलता ही है। तो आइए यहां पे समझते हैं। अपने पास जो ये कुड है दोस्तों, ये दो तरीके से काम करता है। अगर हम पूछे कैन और कुड क्या बताते हैं दोस्तों, तो आपको बस इतना समझदारी लगाना है, ये कैपेबिलिटी बताता है। क्या बताता है दोस्तों? कैपेबिलिटी बताता है, कैपेबिलिटी बताता है। और क्या बताएगा भाई साहब? या तो एबिलिटी, आप बोलिए, बात दोनों सेम सेम है, एबिलिटी बताइए। और अगर ये कुड की बात करें तो ये पास्ट फॉर्म होता है और विकर फॉर्म होता है। विकर, विकर फॉर्म ऑफ कैन। ये कैन का क्या होता है दोस्तों? विकर फॉर्म। दो ही शब्द में है अपना ये प्रोसेस, लेकिन यहां समझ में नहीं आएगा। लिखवाने वाले आपको इतना ही लिखवाएंगे कि जो कैन है दोस्तों, एबिलिटी बताएगा, समझा ही नहीं पाता इसके अंदर। यहां जाएगा ये तो समझाएगा, इसके अंदर जाएगा तब फंसता है, तब बात क्या होगा? इस बात को जिक्र ही नहीं कर पाता है कि कैसे समझाए इसको। अगर ये पास्ट की बात बताएगा तो दो चीजों में रियलाइज करेगा आपको। कितने चीजों में? एक तो रियल एक्शन, आप कर सकते थे या कर सके, बताइए बात होगा कि नहीं? मैं वहां जा रहा था, मैं उस लड़की से बात कर सका, तभी ट्रेन आ गई और मैं चला गया आगे। हाँ, कहानी बनाएंगे ना, तो उसमें कर सका, कर सकता था, मैं खेल सकता, मैं पैर कर सकता था, मैं गाड़ी चला सकता था, इसे क्या समझ में आ रहा है? तो दो चीजों मैंने समझाया, दो चीजों में ये इससे कुछ नहीं निकलेगा, इससे हमें कुछ समझदारी ही नहीं मिलेगा। अपने को ये समझदारी बस साइड में रखना है, ठीक है ना? लेकिन इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ देखो, इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे समझा रहे हैं आपको, ये बातें जो कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले जो जिक्र करते हैं, आइए यहाँ से हम लोग स्पीक करते हैं और बोलते चलते हैं और समझाते हैं एक एक करके। कुछ वर्ड लिख रहे हैं, इसी वर्डों से क्या करते हैं हम लोग, बात करते हैं। नोट कर, नोट डाउन करिए इसे। ठीक है, क्या लिखा गया भाई? अनुज इस मैच को अभी जीत सकता है कि चार दिन के बाद जीते? सही समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? 100% जीत सकता है? श्योरिटी है इसमें?
हाँ बोल रहा है कि मैं इसमें इसको क्या कर सकता हूँ, भले खेले या हार जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोला है दावा किया जरूर है, तो आप किसी चीज को कर सकते हो तो कर रहा है ना, भले अंत में असफलता मिले उससे नहीं दिक्कत है, लेकिन उस समय कर रहा है तो उस समय के 100% एबिलिटी दिखा रहा है कि अनुज कैन विन दिस मैच, अनुज इस मैच को अगर यहाँ पे लगा दिया जाए दोस्तों, मैं अभी कूट नहीं लगा रहे अभी समझिए, मैं लगा दिया अनुज में विन दिस मैच, अनुज शायद इस मैच को जीत सकता है, अभी मैं नहीं पढ़ा है लेकिन हम समझा रहे हैं कि आपको कि अगर मैं लिख दिया जाए तब, बताइए क्या समझ जा रहा है, प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है ना, शायद आपको लग रहा है प्रोबेबिलिटी जीतेगा कि नहीं जीतेगा, कोई कंफर्म है नहीं है, और कैल लगा दिया तो पक्का है, क्या दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है अब, अगर यहीं पे दोस्तों मैंने लगा दिया विल, जीतेगा भाई जीतेगा जीतेगा भाई हमारा भाई जीतेगा अनुज, कौन जीतेगा, जीतेगा कौन जीतेगा, अनुज विल विन दिस मैच, अनुज इस मैच को क्या करेगा दोस्त, अगर सेल लगा दिया तो जीतेगा, अनुज के साथ सेल लगा दिया तो पैसे डाल रहा है आप, अनुज सेल जीतेगा भाई जीतेगा पक्का जीतेगा, तब वैसे भी जीतेगा पक्का, लेकिन यहां दबाव आ गया, जीतेगा जो कहते हैं ना, समझ में आ रहा है, तो अनुज सेल विन दिस मैच, अनुज मस्ट, आप लगाते जाइए नंबर भाई, क्या दिक्कत है आपको, आप कुछ भी मोडल लगाइए लेकिन सबका भाव चेंज हो जाएगा, आप जो कहना चाहते हैं उस चीज को बोलिए आप, अनुज अवश्य इस मैच को जीतेगा, अनुज जरूर इस मैच को जीतेगा भाई, अनुज सुड विन दिस मैच, सुड लगा दिया तब बताइए अनुज को यह है मैच, वहां सजेशन हो गया क्या भाई साहब, क्या हम अगर मोडाल दूसरा लगा देंगे कैन के स्थान पे तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं, आप बोलना क्या चाहते हैं भाई साहब, उस चीज को एक्सप्रेस करिए, नहीं समझ में आ रहा, अगर आ रहा तो बोलो, एक सवाल आपसे पूछे हम, पूछे देखते हैं, तो हम अगला लिख रहे हैं आकाश, अरे कहा गलत बा, सच में पास्ट में है, रियल दिखाई दे रहा है, कहां से, यस्टरडे, 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 हाँ यस्टरडे, तो यस्टरडे से पता चल रहा है कल, कल कल, आज अभी जीता, जीत सकता है तो प्रेजेंट, और जीत सका है पास्ट में, तो भैया देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए, कूड़ आना चाहिए, कैन के स्थान पर क्या आना चाहिए, कौन बताया ऐसा, तेन ध्यान दो इधर, आकाश कैन विन दिस मैच यस्टरडे, आकाश इस मैच को कल जीत सका, अभी जीतेगा भाई, अगर प्रेजेंट का तो समझ में आ रहा है यहाँ पे लगा है, ठीक है मेरे लाइन ये जा रहा है ना भाई साहब, और ये पास्ट में अगर जीत सका तब इस मैच को, जो ये मैच हो रही थी इसके पहले, ये जो अपने पास बोला जा रहा है, ये जो मैच हो रहा, कौन जीता था, तो आकाश जीत सका इस मैच को, तो कहाँ की बात है, यह तो यहाँ क्या लगना चाहिए, तो ये गलत की सही, इसके स्थान पर क्या आना चाहिए, कैसे पता चला, तो एक तो अपने पास दो तरह से टाइम पता चलता है, एक टेंस से, दूसरा एडवर्ब, किससे पता लगेगा भाई साहब, इससे पता चलेगा कहाँ की बातें हो रहा है, और टेंस भी पता बताता है कहाँ की बातें हो रहा है, इसके अनुसार अगर ये आया तो इसके अनुसार टेंस लगाना पड़ेगा, और ये नहीं आया तो फिर अपने अनुसार टेंस लगाइए आप, ठीक है ना,
तो बताइए आकाश कुड विन दिस, क्लियर हो गया? आकाश कुड विन दिस, अगर यहीं पे मैंने लिख दिया आकाश आकाश, अब बोलिए भाई साहब, आकाश कुड बी विन दिस मैच, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, इसको हटाएंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा ना, ई क्या लिखे थर्ड फाइव इसका, डब्ल्यू ओ एल लिख दे भाई, हो गया यार, आकाश कुड बी ऑन दिस, सही है, कल जीता, जीत सका, जीत सकता था, तो अब भी आना चाहिए, तो गलती आप देखेंगे यहाँ पे, का की बातें हैं, पास्ट की बातें हैं, पास्ट में ले गया, कुड भी लगाया है, तो आप फ्यूचर में कैसे बी लगा दिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपका ध्यान ही नहीं जा रहा वहां पे, आपको कैसे समझ में आ रहा है, कल की बातें कर रहा है भाई, और कल की बातें तो पास्ट में, और पास्ट में तो कुड लगा है, और कुड लगा होगा तो लग रहा है कि बातें दो तरीके से हो सकता है, क्योंकि यहाँ थर्ड फॉर्म यूज किया तो यहाँ पे गलती है, गलती कहाँ पे है, यहाँ पे तो क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए हाय आकाश कुड हैव वन दिस मैच यस्टरडे, आकाश कल इस मैच को जीत सकता था, सही बात है, नहीं समझ में, जीता नहीं है, मूड बता रहा, मूड विचार हो गया है क्या, मूड ने बचा रहा है, क्या बता रहा है, मूड मूड समझाएगा सर, मुडल क्या करता है, मूड बताता है मेरे भाई, है ना, इसी बात पर कर्नल साहब से क्वेश्चन पूछते हैं आप, ठीक है ना, खुशी सैड खुशी सेड दैट आई कैन विन दिस मैच, सही है ना, कितने लोगों को डाउट हो रहा है गलत है, कितने लोगों को डाउट हो रहा है कि यह गलत है, अब वो खड़े हो जाएंगे, किसी को डाउट नहीं हो रहा है, हाँ जीत सकी, खुशी कही थी कि मैं इस मैच को जीत सका, जीत सकी, खुशी तो खुशी, आइए तो गलत है कि सही है, गलत है दोस्त, कि यहाँ पास्ट में है और यहाँ कहाँ है, प्रेजेंट में है, अरे भाई ऐसे बोलो तो सही होता है, ठीक है ना, ऊपर समझाया गया है, उसी चीज को समझा रहे हैं, बात पकड़ में आ रहा थोड़ा थोड़ा कि नहीं पकड़ में आ रहा है, आ रहा है, तो फिर बताइए पास्ट में बातें किया गया और कहाँ का यह बातें है, तो प्रेजेंट का, तो गलत की सही, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, अगर यहाँ पे लगा दे कुड, COULD, बस सही हो गया, खुशी सेड दैट आई कुड विन दिस मैच, खुशी कही इस मैच को मैं जीत सकी, अब आइए थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ बोलिए 10-15 मिनट, उसके बाद तुम लिख सकते हो, यू कैन राइट, तुम पढ़ सकते हो, यू कैन स्टडी, यू कैन स्टडी, तुम बोल सकते हो, यू कैन स्पीक, यू कैन स्पीक, आप बोल सकते हो, आप बैठ सकते हो, यू कैन सीट, आप खेल सकते हो, आप दौड़ सकते हो, यू कैन रन, आप बुला सकते हो,
यू कैन कॉल, तुम गाड़ी चला सकते हो, यू कैन ड्राइव द व्हीकल। छोटू अंग्रेजी में बात कर सकता है, छोटू कैन स्पीक इन इंग्लिश। चिड़िया उड़ सकती है, द बर्ड्स कैन फ्लाई, द बर्ड्स कैन फ्लाई। हम जा सकते हैं, हम जा सकते हैं, वी कैन गो, हम सभी लोग जा सकते हैं, वी कैन गो, बातें कही है, हम वहां जा सकते हैं, वी कैन गो देयर। लेकिन एक सिंगुलर एक प्लूरल के रूप में यूज हो रहा है, अगर हम वी बोल रहे हैं तो हम अपनी बात कर रहे हैं, अब हम लोग जा सकते हैं तो भी मतलब क्या है, तो वहां पे समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है ना। हम सभी लोग कर सकते हैं, वी कैन डू इट, मैं वहां जा सकता हूं, आई कैन गो देयर, मैं खुशी के साथ वहां जा सकता हूं, आई कैन गो देयर विथ खुशी, आई कैन गो देयर विथ खुशी, आई कैन गो देयर विथ खुशी। मैं कलम से लिख सकता हूं, मैं कार से जा सकता हूं, आई कैन गो बाय द कार, बाय द वाई का कार से जा सकता हूं, तो कार लिखिएगा, आई कैन गो बाय द कार। मैं ट्रेन से जा सकता हूं, आई कैन गो बाय द ट्रेन, बाय ट्रेन, बाय द ट्रेन नहीं, द नहीं लगेगा दोनों में, बाय द कार नहीं लगेगा। मैं इस कार से वहां जा सकता हूं, आई कैन गो देयर बाय दिस कार, बाय दिस कार। मैं दौड़ सकता हूं, आई कैन रन, मैं नहीं दौड़ सकता हूं, आई कांट राइट, आई कैन नॉट राइट, मैं पानी नहीं पी सकता हूं, आई कैन नॉट ड्रिंक वाटर, मैं स्कूल नहीं जा सकता हूं, आई कैन नॉट गो टू स्कूल, आई कैन नॉट गो टू स्कूल, आई कांट गो टू स्कूल। ये सही है, कांट कांट वाला है ना, आई कांट गो टू स्कूल। मैं खुशी को पीट सकता हूं, आई कैन बीट, मैं खुशी को नहीं पीट सकता हूं, आई कांट बीट खुशी। मैं एक गीत गा सकता हूं, आई कैन सिंग अ सॉन्ग। मैं आकाश के साथ एक गीत गा सकता हूं, आई कैन सिंग अ सॉन्ग विथ आकाश, आई कैन सिंग अ सॉन्ग विथ आकाश। मैं आकाश के साथ दौड़ सकता हूं, आई कैन रन विथ आकाश, आई कैन रन विथ आकाश। मैं यह कर सकता हूं, आई कैन डू इट, मैं इसे नहीं कर सकता हूं, आई कांट डू इट, आई कैन नॉट डू इट। ठीक है ना, बस नॉट लगाने का प्रक्रिया बदला है। आगे चले, एक कंस्ट्रक्शन फॉर्म है और एक क्या है, फुल फॉर्म के साथ, आई कैन नॉट डू इट। ठीक है, तुम हिंदी में बात कर सकते हो, यू कैन स्पीक इन, अब बात करने का टॉक लिखेंगे का, बोलना का भाई बात हो रहा है। ठीक है, यू कैन स्पीक इन हिंदी, मैं वहां उन लोगों के साथ दौड़ सकता हूं, आई कैन रन देयर विथ देम, आई कैन रन देयर विथ देम। मैं उन लोगों के साथ वहां दौड़ सकता हूं। ठीक है,
मैं दौड़ सकता था, आई कुड हैव रन, आई कुड हैव रन, चेंज हो गया प्रोसेस, अब पास्ट में आ गए है ना। कहां पे चले दोस्त? पास्ट में भी प्रेजेंट की एबिलिटी दिखा रहे थे ना, अब पास्ट में अब क्या किया है? मैं कर सका, मैं दौड़ सका, मैं खेल सका, मैं नाच सका, मैं बोल सका, कुछ भी करिए ना। तो चलिए लिखिए, तुम दौड़ सके, यू कुड हैव, खुशी दौड़ सकी, खुशी कुड हैव, खुशी बोल सकी, खुशी कुड हैव स्पोकन, खुशी नाच सकी, खुशी कुड हैव डांस्ड, खुशी चार कुर्सी तोड़ सकी, खुशी कुड हैव ब्रोकन फोर चेयर्स, खुशी कुड हैव ब्रोकन फोर चेयर्स, खुशी पहला चैप्टर पढ़ सकी, खुशी कुड हैव रीड फर्स्ट चैप्टर, आकाश जौनपुर जा सका, आकाश कुड हैव गॉन टू जौनपुर, अनुज पिंकी के साथ मुंबई जा सका, अनुज कुड हैव गॉन टू मुंबई विथ पिंकी, अनुज कुड हैव गॉन टू मुंबई विथ पिंकी, मैं उस मैदान में दौड़ सकता था, आई कुड हैव रन दैट फील्ड, आई कुड हैव रन दैट फील्ड, मैं नदी पार कर सकता था, आई कुड हैव अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस का मतलब इस पार से उस पार, अक्रॉस का मतलब पार करना, अक्रॉस का मतलब इस पार से उस पार तक जाना, अक्रॉस, ठीक है ना। तो अक्रॉस्ड, अक्रॉस्ड, आई कुड हैव अक्रॉस्ड द रिवर, तो मैं इस एग्जाम को तोड़ सकता था, आई कुड हैव क्रैक्ड दिस एग्जाम, मैं इस गाड़ी को चला सकता था, हाँ, आई कुड हैव ड्राइव्ड दिस व्हीकल, आई कुड हैव ड्राइव्ड, अनुज नेहा से बात कर सकता था, अनुज कुड हैव टॉक्ड टू नेहा, अनुज कुड हैव टॉक्ड टू नेहा, अनुज नेहा से बात कर सकता था, ठीक है ना। मैं अंग्रेजी बोल सकता था, आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं मैदान में अंग्रेजी बोल सकता था, आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश इन द फील्ड, मैं मोबाइल को तोड़ सकता था, आई कुड हैव ब्रोकन द मोबाइल, मैं दारू पी सकता था, आई कुड हैव ड्रंक वाइन, पिया हुआ आदमी जा सकता था, अ ड्रंकन मैन कुड हैव गॉन, अ ड्रंकन मैन कुड हैव गॉन, मैं खुशी को मार सकता था, आई कुड हैव हिट खुशी, बीटेन खुशी, हीट खुशी, हीट मतलब प्रहार करना, मारना यार, तो बताओ ये समझ में आया है, कोई दिक्कत? स्टॉप लगा दे क्या दोस्त? अच्छा स्टॉप लगाइए साहब, बिजली ऑपरेटर।